गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फिलहाल मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आज आप लोग के साथ वो अपना सिंपल सा बेसिक मेकअप आप लोग के साथ शेयर करूँ, कि जैसे आप लोग अपने स्किन को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते हो और अच्छे भी दिख सकते हो। मैं अपने हर वीडियो में अगर मेकअप में दिखती हूँ तो नॉर्मली मैं वही ट्रिक फॉलो करती हूँ, वैसे ही करती हूँ। मैं फेस पे फाउंडेशन क्रीम लगाना बिल्कुल प्रिफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मुझे भी एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिलहाल मुझे अभी काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है अपने एक्ने से, तो मैं भी अभी कोई मतलब फिलहाल रिस्क नहीं लेना चाहती उस पर क्रीम्स वगैरह लगा करके। तो मैंने सोचा चलो मैं जो यूज करती हूँ क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। मैंने अपने बाल को बांध लिया है कि बार बार आगे ना ही आए, तो मैं सबसे पहले अपने फेस में सन स्क्रीन लगाने वाली हूँ। ये सन स्क्रीन है यूवी डॉक्स की, तो चलो इसमें SPF 50 है, 50 SPF। तो मैं, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं 1 साल से फासेक्स जेल फेस वॉश यूज कर रही हूँ, तो उसी के साथ ही मैंने इसको भी स्टार्ट करा हुआ था और बिल्कुल भी मैं इसको स्किप नहीं करती हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग को अपनी स्किन हेल्दी रखना है तो कुछ भी स्किप कर दो, लेकिन सनस्क्रीन मत स्किप करो। घर में रहो या बाहर जाओ, कई लोग सोचते हैं कि बाहर जाना है तभी सनस्क्रीन अप्लाई करना। नहीं, आप अगर घर में भी रह रहे हो तब भी आपको रेगुलर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी है। कुछ भी मत लगाओ लेकिन सनस्क्रीन को मत स्किप करो। तो चलो मैं आप लोग को सनस्क्रीन लगा करके दिखाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सनस्क्रीन को अपने डार्क सर्कल्स में जरूर लगाएं, ये उसको भी डैमेज होने से कवर अप करता है। और सनस्क्रीन को आप लोग को रगड़ना नहीं, बस इसको ऐसे डैप डैप मोशन में ऐसे ऐसे डैप डैप मोशन में इसको करना है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को रगड़ कर लगाते हैं, तो नहीं, वो गलत तरीका होता है। इसको सिर्फ डैप डैप मोशन में ही लगाते हैं, दैट्स इट। और आप लोग देख सकते हो सनस्क्रीन लगाते ही कुछ थोड़ा सा अलग सा दिखने लगा है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। सो चलो मैं अपना नेक्स्ट लगाती हूँ, आईब्रो पाउडर अपने आईब्रो फिल करने के लिए। और सॉरी, माइंड मत करना, मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से ही करने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने अपने आईब्रो फिल कर लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं फिल करा हुआ है क्योंकि बस नॉर्मल मुझे मार्केट ही जाना है, तो इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं। और मैं आई साइडों में कुछ नहीं लगाने वाली, बस ये क्रीम कलर वाला साइडों थोड़ा सा मैं इसको अपने आँख पे लगाऊंगी ताकि मेरी आँखें एक शाइनी लुक दे। और मैं अपनी फिंगर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाने वाली, मे भी हो सकता है कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन सामने से दिख रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं यूज करने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको अपनी नोज़ पे लगा लूँगी ताकि मेरी ये नोज़ को शार्प दिखाए। और अभी मेन थिंग बीबी क्रीम, इसको मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने साथ जरूर कैरी करती हूँ, कि अगर मतलब कहीं भी अगर आपको पिंपल निकल जाता है या सडन आपके कहीं स्पॉट आपको दिखने लगता है, तो आपको कुछ भी मेकअप नहीं करना है, बस थोड़ा सा बीबी क्रीम लेना है और वहाँ पर उसको डैप कर लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो वो जो आपका स्पॉट होगा वो छिप जाएगा। और
पूरे फेस में आप लगाओगे तो बैक्टीरिया फैल सकता है, तो और ज़्यादा पिंपल बढ़ सकते हैं। इसलिए बस जहाँ पर आपका स्पॉट हो या पिंपल निकला हो तो वहीं पर इसको थोड़ा सा आप रख लो, तो स्पॉट छिप जाएगा, दैट्स इट। बट फिलहाल मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बट आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हो अपने रेगुलर बेस मेकअप पे। तो चलो, मेरा ये काजल, ये एक मेरा काजल कलर वार का है, ये आईलाइनर का भी काम करेगा और काजल का। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे इसको मैं एज अ आईलाइनर भी अप्लाई करने वाली हूँ। एंड सॉरी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा कर सकते हो, आपको जितना चाहिए, मुझे बस इतना इनफ है। सो मेरा ऊपर का काजल लग गया है और अभी मैं नीचे भी काजल लगा ले रही हूँ। आपको कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं बट कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट में मेरा लिपस्टिक है, मैंने लिप बाम पहले ही लगा लिया था तो उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। अगर आप लोग नहीं लगाएं तो पहले लिप बाम लगाएं उसके बाद लिपस्टिक लगाएं तो ज़्यादा अच्छे से खिल कर आती है। तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैंने लिपस्टिक लगा ली है और लिपस्टिक मैंने एकदम लाइट पीच कलर की लगाई हुई है क्योंकि मैंने पीच कलर का ऊपर का पहना हुआ है स्वेटर, सो इसलिए मैंने पीच कलर की लिपस्टिक ही लगाई हुई है। तो आप लोग बताओ मेरा ये सिंपल सा मेकअप कैसा लग रहा है? मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज करी हुई है, बस इतनी सी ही चीज़ों से मैंने मेकअप कर लिया है। सो कैसा लग रहा है? माना ये पार्टी वियर मेकअप नहीं है, ये नॉर्मल आप मार्केट जा रहे हो या छोटे मोटे कहीं जा रहे हो आसपास, तो बस उतने के लिए। और काजल मैंने थोड़ा सा हैवी लगाया है, सुरमा स्टाइल में लगाया है, क्योंकि कई बार होता है जिस टॉप में ऐसा काजल अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है करना। सो कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताना मेरा मेकअप कैसा लगा है। सॉरी, मेकअप नहीं है ये तो लुक है, क्योंकि मेकअप में मैंने फाउंडेशन क्रीम कुछ यूज ही नहीं करा है तो इसको आप मेकअप नहीं बोल सकते हो, बस ऐसे ही है थोड़ा सा पास में जाने का। आज मैंने पहली बार विदाउट मिरर मेकअप किया हुआ है और बिल्कुल भी मैंने शीशे को छुआ भी नहीं है, बस ऑन कैमरा ही मैंने सारा मेकअप किया हुआ है। सो गाइस, अगर आप लोग को मेरा मेकअप पसंद आया हो, सिंपल सा, आप लोग मार्केट जाते हो या फिर कहीं आसपास जाते हो आजू बाजू, तो एकदम सिंपल तरीके से अपने फेस को अच्छा दिखा सकते हो, अच्छे लुक में जा सकते हो, विदाउट क्रीम और फाउंडेशन के आप लोग भी खुद को अच्छा दिखा सकते हो। सो अगर आप लोग को मेरा ये सिंपल सा लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आपको मिले। तो चलो गाइस, मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।